ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी सुलदेव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने को बेचैन है। उन्हें सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा बनने से भी परहेज नहीं है, गठबंधन का हिस्सा बनने की दिशा में कोशिश भी शुरू कर दी है। राजभर का कहना है कि भाजपा नेताओं ने आश्वासन के बाद भी उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। पिछले वर्ग के 27% आरक्षण में बंटवारे से कम पर वह भाजपा की कोई बात नहीं मानने वाले हैं। राजभर का कहना है कि 24 फरवरी से पहले ही वह तय कर लेंगे कि लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के साथ रहना है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह सपा बसपा गठबंधन में भी जा सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर भाजपा के किसी नेता ने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की है। लगातार पिछले वर्ग आरक्षण में बंटवारे तथा अन्य मुद्दों पर भाजपा द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाने वाले राजभर ने अब भाजपा पर हमला और तेज कर दिए हैं। भाजपा के खिलाफ उन्होंने भोजपुरी में कई नारे निकाले हैं, जिनमें पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारा ना भाइल ते भाजपा गाइल, शिक्षा में सुधार ना भाइल ते भाजपा गाइल और शराब बंद ना भाइल तो भाजपा गाइल, ये नारे अब वे अपनी सभी सभाओं में लगवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।